नमस्कार। आज की मुलाकात कार्यक्रम में मैं नवल किशोर शर्मा सीएससी उत्तर प्रदेश टीम से सीएससी के माध्यम से आधार सर्विस, जिसमें कि हमारे बीएलई भाई आधार यूसीएल क्लाइंट के माध्यम से आधार संशोधन का कार्य करते हैं, तो उसके बारे में विस्तृत जानकारी लेकर आपके समक्ष प्रस्तुत हुए हैं। पिछले कुछ एक समय से, लगभग 2 महीने से, हम लोग एक नया फीचर एड ऑन हुआ जो कि आधार ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपलोड का है फीचर है। सभी जो हमारे यूसीएल बीएलई भाई आधार संशोधन का कार्य करते हैं, उनके आधार सॉफ्टवेयर में वो एक नया फीचर एड ऑन हुआ है। तो आज की मुलाकात कार्यक्रम में आज हम इसी पे विशेषतः बात करेंगे कि ये फीचर क्या है और इसकी जरूरत क्या है, और हम इस फीचर के माध्यम से क्या काम करने जा रहे हैं। तो मैं आप सभी के समक्ष एक प्रेजेंटेशन है पीपीटी के माध्यम से, हम डिटेल में थोड़ा डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैंने बताया, डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर, इसका मेन मकसद यूआईडीआई के द्वारा एक नया सर्कुलर जारी हुआ है, जिसके माध्यम से जो भी आधार कार्ड प्रेजेंट टाइम में 10 साल से पुराने, मतलब रेजिडेंट ने अपना आधार आज से प्रेजेंट में 2022 चल रहा है, तो इससे पहले 10, 11, 12 में जो आधार बने हुए हैं, एक टेंटेटिव टाइम पीरियड दिया गया है कि 10 साल से पुराने जितने भी आधार हैं, और आधार बनने के बाद, मतलब रेजिडेंट का जब आधार बना और उसके बाद कभी भी उसने इस बीच इस टाइम पीरियड के दौरान कोई भी चेंजेस अपने आधार में डेमोग्राफिक से संबंधित, चाहे उसने अपना नाम हो गया, जन्मतिथि है, पता है, इस तरह का कोई भी चेंजेस अपने आधार में नहीं कराया है, तो इस प्रकार के सभी रेजिडेंट्स को अपने आधार में जो रिसेंट उसके आईडी एड्रेस प्रूफ है, पीओआई और पीओए, उनको अपडेट कराना मैंडेटरी यूआईडीआई के अनुसार कर दिया गया है। क्योंकि समय समय पे आज भी जो भी रेजिडेंट्स हैं उनकी आइडेंटिटी में कुछ एक चेंजेस होते रहते हैं, जैसे कि मान लीजिए आज रेजिडेंट हम यहाँ रह रहे हैं, अब फिर कुछ समय बाद दूसरी जगह रेजिडेंट्स अपना मूव करते हैं, तो इस पर्पज से जो उसके डॉक्यूमेंट्स हैं और रिसेंट डॉक्यूमेंट्स वो यूआईडीआई के पास तक रहे। जैसा कि आधार एक अपने आप में आज की डेट में बड़ा ही वैसा डॉक्यूमेंट बन गया है जिसको कि हर जगह लगभग सारे डिपार्टमेंट्स में और जितनी भी स्कीम्स हैं सभी इसी के माध्यम से प्रदान की जा रही है, चाहे गवर्नमेंट्स की स्कीम्स हो, जो भी डीबीटी के माध्यम से दी जाती हैं। तो जब इस डॉक्यूमेंट्स की इतनी ज्यादा इम्पोर्टेंस है, तो ये डॉक्यूमेंट्स अपने आप में एक अपडेटेड डॉक्यूमेंट होना चाहिए, जिसमें कि आपको सबको बताया कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, अगर बायोमेट्रिक उसके ठीक नहीं रहते हैं, डिसेबल कर दिए जाते हैं, फिर वो अपने आधार को यूज नहीं कर पाता है। तो सेम मैनर में जिन रेजिडेंट्स के आधार में अपडेटेड डॉक्यूमेंट्स पीओआई और पीओए नहीं रहेंगे, तो इन फ्यूचर उनको जो सरकारी स्कीम्स होगी, सरकार डीबीटी के माध्यम से उपलब्ध कराती है और सिटीजन्स को या रेजिडेंट्स को, तो वो हो सकता है उनको ना मिल पाए। तो इसलिए सभी जितने भी रेजिडेंट्स जिनके आधार कार्ड बने हुए 10 साल से ज्यादा समय हो गया है, तो उन सभी रेजिडेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स पीओआई और पीओए अपने आधार में अपडेट कराना मैंडेटरी है। अब बात आती है कि हम लोग जो रेजिडेंट्स हैं उनके आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट किस तरह से कर सकते हैं। आधार कार्ड में डॉक्यूमेंट अपडेट करने के लिए पीओआई पीओए जो भी है आपको रेजिडेंट से आप लेने हुए हैं आपको, और आप चूंकि हमारे जितने भी बीएलई भाई हैं सभी ईसीएमपी क्लाइंट, जो यूसीएल क्लाइंट है उसका यूज करते हैं। हालांकि यूआईडीआई ने 2 ऑप्शन दिए हुए हैं कि रेजिडेंट्स अपने आप से भी कर सकते हैं, और हमारे जो भी नियर बाई आधार सेवा केंद्र हैं या फिर हमारे संशोधन केंद्र जो सीएससी के हैं उनके माध्यम से पीओआई और पीओए अपडेट करा सकते हैं। तो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स हैं, उसमें भी ऑनलाइन के 2 मीडियम हैं, या तो ईसीएमपी क्लाइंट जो हम यूसीएल के माध्यम से करते हैं उसके थ्रू करा सकते हैं, और रेजिडेंट को एक जो यूआईडीआई का पोर्टल है उस पर डायरेक्ट जाके भी कर सकते हैं। ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट के लिए हमारे ऑनलाइन ईसीएमपी क्लाइंट है उसमें आधार सेवा केंद्र पे जाकर, या फिर हमारे नियर बाई जो सीएससी सेंटर्स हैं यूसीएल बीएलई जो चलाते हैं उनके माध्यम से किया जा सकता है। इसके लिए जो फीस निर्धारित है ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट की, वो 50 रुपये निर्धारित फीस है जो कि आपको रेजिडेंट से चार्ज करनी है। जैसे कि आप लोग अभी डॉक्यूमेंट जो डेमोग्राफिक अपडेट है, कोई भी नाम चेंज है,
उसके एड्रेस में कोई चेंजेस होना होता है, जन्मतिथि है, मोबाइल नंबर, मेल आईडी, इस तरह की चेंजेस जो डेमोग्राफिक चेंजेस करते हैं, तो उसके लिए भी हम लोग 50 रुपीज चार्ज करते हैं रेजिडेंट से। तो सेम यहाँ पे भी हम लोगों को रेजिडेंट से 50 रुपए ही चार्ज करना है, इसके लिए भी 50 रुपए फीस निर्धारित की गई है। अब ये जो फीचर ऐड हुआ है हमारे ECMP क्लाइंट में, ये किस ऑप्शन में जाना है हमको और किस तरह से कार्य करता है, तो उसके लिए थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। हम लोगों को सबसे पहले हमारा जो UCL क्लाइंट है उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे जाना होता है, क्योंकि हमारे जितने भी UCL क्लाइंट्स हैं, हमारे VLE भाई जो यूज करते हैं, वो एक ऑनलाइन सॉफ्टवेयर है, यहाँ पे ऑफलाइन का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ऑनलाइन वर्क करता है हमारा UCL सॉफ्टवेयर। तो सभी UCL VLEs को अपने ECMP क्लाइंट, जो ऑनलाइन UCL क्लाइंट है, उसमें ऑनलाइन डॉक्यूमेंट अपडेट पे क्लिक करके रेजिडेंट के आधार को एंटर करना होता है, और रेजिडेंट के बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बाद में, जिस तरह से हम लोग कोई भी डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं, उसके नाम पता या जन्मतिथि चेंजेस में कुछ भी करना होता है, तो सेम उसी वे में आपको यहाँ पे आधार कार्ड एंटर करना है, और उसकी बायोमेट्रिक कैप्चर करने के बाद में जो भी उसके आधार में जो डिटेल होगी उससे संबंधित, वो फैच होकर आपके स्क्रीन पे शो होने लगेगी। यहाँ पे एक चीज मेन आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड करते समय ध्यान देनी है, जब आप किसी भी रेजिडेंट का आधार नंबर डालने के बाद में उसकी डिटेल जब फैच होगी ऑनलाइन, तो आपको स्क्रीन पे जो डिटेल दिख रही होगी, आपको सेम पहले तो चेक कर लेना है कि उसके आधार में आज की डेट में वही डिटेल है। और दूसरी चीज, डॉक्यूमेंट अपलोड करने से पहले ये मैंडेटरी है कि आप ये चीज चेक कर लें कि जो डिटेल आपके स्क्रीन पे दिखाई दे रही है, तो रेजिडेंट जो डॉक्यूमेंट आज की डेट में लेके आया है अपडेट कराने के लिए, उसका POI है या फिर POA है, तो डेट ऑफ बर्थ हो गया, उसका नाम, पता, जेंडर, जितनी भी डिटेल, डेमोग्राफिक डिटेल रेजिडेंट की है, जो डॉक्यूमेंट्स वो लेके आया है और आपको जो स्क्रीन पे शो कर रही है, वो बिल्कुल मैच होनी चाहिए। अगर आपको लगता है कि कोई भी रेजिडेंट अपना जो डॉक्यूमेंट लेके आया है उसमें नाम में कुछ चेंजेस हैं, या एड्रेस में कुछ चेंज है, उसकी डेट ऑफ बर्थ में कुछ चेंज है, और आपको जो स्क्रीन पे दिख रहा है वो कुछ और दिख रहा है, तो दोनों चीजें मैच नहीं हो रही हैं, तो इस केस में आपको डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करने हैं, अदरवाइज वो रिजेक्शन में काउंट होगा और आपकी जो ऑपरेटर आईडी है उस पर रिजेक्शन काउंट होंगे, और वो सक्सेसफुल डॉक्यूमेंट अपलोड की उसमें नहीं जाएगा। तो इस कैटेगरी में फिर हमें रेजिडेंट को समझाना होगा या बताना होगा उसको कि आप जो डॉक्यूमेंट लेके आए हो उसमें आपकी जो डेमोग्राफिक डिटेल है, जो हमें आपके आधार से फैच होके ऑनलाइन डिटेल आ रही है, उसमें अंतर है दोनों में, इसलिए हम आपके डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर सकते। अगर रेजिडेंट को जो उसके डॉक्यूमेंट में डिटेल है सेम उसके अकॉर्डिंग अपनी चीजें या अपना आधार को अपडेट करना है, तो उसके लिए हम फिर डेमोग्राफिक अपडेट जो नॉर्मल हम करते हैं उस फीचर पे जाकर उसका पहले डेमोग्राफिक अपडेट करना होगा, और डेमोग्राफिक अपडेट कर देंगे उसके रिसेंट डॉक्यूमेंट से, तो फिर डॉक्यूमेंट अपलोड भी नहीं, जो डॉक्यूमेंट अपलोड वाला फीचर है उसके उस प्रोसेस को हमें फॉलो नहीं करना है। तो ये चीज हम लोगों को ध्यान देनी है कि जो रेजिडेंट डॉक्यूमेंट लेके आया है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हम जब जा रहे हैं रेजिडेंट के, तो उसके आधार में जो आज की डेट में डिटेल है, जब वो लेके आया है, प्रेजेंट टाइम में जो POI और POA वो प्रस्तुत कर रहा है, या जन्मतिथि से संबंधित जो डॉक्यूमेंट वो प्रस्तुत कर रहा है, उन डॉक्यूमेंट्स में जो डिटेल है आधार से बिल्कुल मैच होनी चाहिए, तभी हम डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर पे जाकर उसके डॉक्यूमेंट अपडेट करेंगे। अदरवाइज उसको अगर जरूरत है अपने डॉक्यूमेंट को के अनुसार आधार को कराने की, तो फिर वो डेमोग्राफिक अपडेट जो नॉर्मल हम करते हैं नॉर्मली, उस फीचर के थ्रू उसका डेमोग्राफिक अपडेट हमें करना है। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने वाली और भी है, UIDAI के अनुसार एक जैसे हमें POI, POA और रिलेशनशिप प्रूफ हो गया, या बर्थ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट हम लोगों को शेयर की हुई है, तो यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर में UIDAI ने नॉर्मली हम क्या करते हैं, अगर किसी को नया आधार बनवाना है या संशोधन कराना होता है कोई भी, तो संशोधन कराने से संबंधित जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उसके अनुसार जो डॉक्यूमेंट वैलिड है उसको हम यूज करते हैं, और अगर किसी के पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं, तो UIDAI के अनुसार जो UID स्टैंडर्ड फॉर्मेट है, डिफरेंट डिफरेंट जो भी स्टेजेस बताई गई हैं कि गजेटेड ऑफिसर से करा सकते हैं, तो वो उस तरह से ग्राम प्रधान से करा लेते हैं, विलेज पंचायत हेड है तो उससे कराते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर में आपको स्टैंडर्ड फॉर्मेट यूज नहीं करना है। UIDAI के अनुसार
स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज हमें डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर में बिल्कुल नहीं करना है। हम उस स्टैंडर्ड फॉर्मेट से जो डेमोग्राफिक डिटेल चेंजेस वाले ऑप्शन के थ्रू हम करते हैं, कोई भी आधार संशोधन का काम करना है तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट का यूज किया जा सकता है, लेकिन डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर पे आपको कोई भी स्टैंडर्ड यूआईडीआई का स्टैंडर्ड डॉक्यूमेंट यूज नहीं करना है, उस फॉर्मेट को हम इस फीचर पे यूज नहीं करेंगे। अब ये इस स्कीम सबसे पहले आपको यही रेजिडेंट की डिटेल वहां पे प्रदर्शित होती है। रेजिडेंट की डिटेल प्रदर्शित होने के बाद में अगर हमें नॉर्मली हम कर रहे होते हैं अब डेमोग्राफिक अपडेट, तो जो चेंजेस करने होते हैं हम उसमें चेंजेस करते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई चेंज करना नहीं है, हमको सिंपल डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। तो सबसे पहले जो आपको स्क्रीन दिखाई दी उस पर आपको डिटेल दिखाई देगी, डिटेल मैच कर ली हमने। डिटेल मैच करने के बाद में सिंपल आप नेक्स्ट करके नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे जहाँ पे हम डॉक्यूमेंट स्कैन करते हैं। तो POI POA दोनों ऑप्शन पे आप लोग सेलेक्ट करके डॉक्यूमेंट अपलोड कर देंगे। यहाँ पे कुछ एक इश्यूज ये आ रहे हैं कि हम लोग जैसे मान लीजिए वोटर आईडी है या कुछ डॉक्यूमेंट्स और भी हैं जो कि आईडी एड्रेस प्रूफ दोनों के लिए कंसीडर किए जाते हैं, तो हम जल्दबाजी में वोटर आईडी को केवल आईडी प्रूफ में स्कैन कर दिया और एड्रेस प्रूफ में उसको चूज करके सबमिट नहीं करते हैं। लेकिन आपको इसी ध्यान देनी है, वोटर आईडी है या कुछ और डॉक्यूमेंट जो कि आईडी एड्रेस प्रूफ में कंसीडर किए जाते हैं और दोनों जगह आप उसको ही उस डॉक्यूमेंट को ही यूज कर रहे हैं, तो आपको मैंडेटरी है कि आईडी एड्रेस प्रूफ में वो डॉक्यूमेंट स्कैन होके अपलोड हो। फॉर एग्जांपल वोटर आईडी का ही एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ कि आईडी प्रूफ में भी लिया जाता है उसको, एड्रेस प्रूफ में भी लिया जाता है, तो आईडी प्रूफ में भी वोटर आईडी स्कैन करके अपलोड करेंगे हम और एड्रेस प्रूफ में भी वोटर आईडी स्कैन करेंगे और अपलोड होगा वो। ऐसा नहीं है कि हमने सेलेक्ट तो कर लिया आईडी एड्रेस प्रूफ में वोटर आईडी, लेकिन हमने स्कैन केवल करके आईडी प्रूफ के रूप में ही उसको अपलोड किया। जो डॉक्यूमेंट अगर आप दोनों फील्ड्स में कंसीडर कर रहे हैं आईडी एड्रेस प्रूफ के लिए, तो दो बार स्कैन होकर दोनों ही जगह अपलोड होना मैंडेटरी है, अदरवाइज वो डॉक्यूमेंट रिजेक्शन में जाएगा और ये एरर काउंट हमारी ऑपरेटर आईडी पे काउंट होंगे। तो ये हम लोग ध्यान रखेंगे कि ऐसे डॉक्यूमेंट जो कि दोनों फील्ड्स में हम चूज कर रहे हैं तो दो बार स्कैन करके दोनों ही ऑप्शंस में हमको अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया, फिर उसके बाद में सेम जैसे हम लोग वेरीफाई करते हैं, ऑपरेटर हमारे वेरीफाई करने के बाद और लास्ट में पैक कोड जनरेट करके और पैक कोड वैलिडेट करने के बाद एनरोलमेंट स्लिप, ये जो भी ऑप्शंस होते हैं जो प्रोसेस है उससे गुजरते हुए लास्ट में हम लोगों का जिस तरह से डेमोग्राफिक अपडेट करते हैं सेम उसी वे में जो रिसिप्ट निकल के एनरोलमेंट स्लिप आया उसको और या और हमने एनरोलमेंट फॉर्म दोनों को स्कैन करके उन्हें भी अपलोड कर दिया और अपलोड करने के बाद में कंप्लीट एनरोलमेंट पे क्लिक करेंगे तो हमारा इस प्रकार डॉक्यूमेंट अपलोड का जो प्रोसीजर है वो प्रक्रिया कंप्लीट हो जाती है। डॉक्यूमेंट अपलोड से संबंधित कुछ एक बैनर पोस्टर्स भी यूआईडीआई के अनुसार शेयर किए गए हैं हम लोगों के साथ में, जिनको हम लोग अपने सेंटर पे ब्रांडिंग और उसके पर्पज से लोगों को अवेयर करने के पर्पज से, क्योंकि ये एक नया सर्कुलर आया है यूआईडीआई की तरफ से, तो जनरली लोगों को पता नहीं है इसकी इम्पोर्टेंस के बारे में, अभी नहीं पता है कि उनको इसे कराना है नहीं कराना है, तो उसके लिए हम लोगों को अभी थोड़ा सा स्ट्रगल करना पड़ता है, बताना पड़ता है लोगों को कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो उसके लिए आप लोग अपने सेंटर पे जो बैनर पोस्टर्स हैं उनको लगा के रखें अपने सेंटर पे, कुछ बैनर पोस्टर्स मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे भी शो करके दिखाना चाहूंगा, जो बैनर पोस्टर्स हमने आपको मेल के माध्यम से भी शेयर किए हुए हैं। ये पोस्टर है जो कि आप लोग अपने
ये पोस्टर्स आप अपने सेंटर पे लगा के रखें। इसके अलावा सभी बीएलई भाइयों से अनुरोध रहेगा मेरा कि जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट अपलोड से संबंधित बैनर पोस्टर्स के जिसका मैं अब जिक्र कर रहा था अभी, वो आप अपने सेंटर पर लगा लें। अपने सेंटर पे एक कॉमन ब्रांडिंग का हमने बैनर भी शेयर किया हुआ है, जिसपे कि आपको अपने जिस संबंधित बैंक से आपको इसके बिहार पे आपको यूशन मिला है, तो बैंक का आपको लोगो लगा के रखना है, सीएससी का लोगो लगा के रखना है, आधार से संबंधित जो ब्रांडिंग है वो आपको अपने सेंटर पे प्रॉपर मैनर में रखनी है। क्योंकि ब्रांडिंग नहीं रहेगी तो फिर लोगों को पता नहीं रहेगा कि आप क्या कर रहे हैं और किस के बिहा पे आप ये काम कर रहे हैं। सीएससी आपकी पहचान है और सीएससी के बिहा पे ही आपको यूसीएल मिला है या बैंकिंग की सर्विसेज जिसके द्वारा आप प्रोवाइड करा रहे हैं, और उस संस्था की अगर ब्रांडिंग नहीं रखेंगे तो कोई मतलब नहीं है हम लोगों का काम करने का। तो सभी लोगों से, सभी बीएलई भाई से मेरा अनुरोध रहेगा कि जो बैनर पोस्टर है या फिर जो हमने ब्रांडिंग से संबंधित बैनर आपको शेयर किया हुआ है तो अपने सेंटर पे जरूर लगा के रखें। रेट लिस्ट आपके सेंटर पे सभी के लगी हुई होनी चाहिए और डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर ही आपको आने वाले समय में आपके जो ट्रांजेक्शन्स हैं उनको बढ़ा सकता है। तो इसकी पहले हमें अपने आप को समझ रखनी है कि ये जरूरी क्यों है, क्योंकि हम ही नहीं समझेंगे इस चीज को तो फिर दूसरों को नहीं समझा सकते। तो सबसे पहले शुरुआत हम अपने घर से ही करें। आप लोग, आपका जो चैनल है, आपके आसपास के जितने भी रेजिडेंट्स हैं, आपके घर परिवार फैमिली मेंबर जितने भी, सभी के आधार ऑलमोस्ट 2012-13 से उस समय के बने हुए होंगे। तो सभी बीएलई भाई अपने आसपास से शुरुआत करें, और जो कुछ एक दुकानें जैसे राशन डीलर की दुकान होती है, कोटा डीलर होते हैं जहाँ पे कि राशन लोगों को मिलता है गवर्नमेंट के द्वारा, ये एक सरकारी स्कीम के थ्रू ही लोगों को मिलता है। तो आप लोग सबसे पहले यहाँ पे अप्रोच कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं कि यूआईडीआई के द्वारा जो आधार कार्ड पुराने बने हुए हैं उन सभी को अपने आधार में जो अपडेटेड पीओआई पीओए हैं तो वो अपलोड कराना जरूरी है। नहीं तो हो सकता है कि उनको राशन जैसी चीजों से या फिर गवर्नमेंट की जो और स्कीम्स हैं उनसे वंचित ना होना पड़ जाए। तो आप लोग राशन की दुकान पे जो इसकी ब्रांडिंग है वो लगाएं कि लोगों को समझ आए कि हाँ इसको कराना जरूरी है। इसके अलावा आपके सेंटर पे कुछ लोग आते हैं काम कराने के लिए, जैसे हो सकता है किसी को अपना काम कराना है, तो साथ में उसके जो लोग आए हैं उनसे भी आप पूछें कि क्या आपके आधार में आपका आधार कब बना था और आपके आधार में जो पीओआई पीओए है वो अपडेटेड है या नहीं है। कई बार देखा गया है कि अब हम लोग रेजिडेंट जो आते हैं ना उनसे डिटेल में बात नहीं करते हैं, जैसे वो अपना नाम कराने के लिए सही आए तो हमने उनका केवल नाम सही कर दिया, और ये जरूरत नहीं समझी कि उनका अगर जरूरत है तो उनसे पता करें कि उनकी मेल आईडी है क्या बनी हुई। अगर उनकी मेल आईडी है और उनके पास मोबाइल नंबर भी है और मोबाइल नंबर को अपडेट कराना चाहते हैं तो रेजिडेंट को बताएं सारी चीजें कि आपकी अगर मेल आईडी है तो मेल आईडी को भी आप अपडेट करा सकते हैं अपने आधार में। जरूरी नहीं है, क्योंकि मेल आईडी मोबाइल नंबर दो चीजें ऐसी हैं जो कि रेजिडेंट को अगर नहीं भी पता होंगी लेकिन आप बताकर वो चीजें कर सकते हैं, या जो रेजिडेंट काम कराने आया जैसे कि मैं आपसे बता रहा था, तो उसके साथ में और भी एक दो लोग जो आए हैं आप उनको भी मोटिवेट कर सकते हैं इस सर्विस को थोड़ा एनहेंस करने के लिए, क्योंकि इसमें अभी तक कोई ज्यादा खास मूवमेंट आई नहीं है और बड़ी उम्मीद है हमें हमसे यूआईडीआई को, क्योंकि हमारी जो रीच जिस तरह से है गाँव गाँव तक हमारे बीएलई भाई काम करते हैं, तो उस रीच को देखते हुए काफी बड़ा स्कोप यूआईडीआई के द्वारा बताया गया है कि आप लोग इस डॉक्यूमेंट अपडेट फैसिलिटीज, जो डॉक्यूमेंट अपडेट फीचर नया एड ऑन किया गया है, इस पे ट्रांजेक्शन्स हमारे माध्यम से काफी बड़ी मात्रा में हो सकते हैं। कुछ बीएलई भाई ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक एक दो करके बैठे हैं या फिर एक भी नहीं किया है, तो सभी से अनुरोध रहेगा कि आप लोग खुद अपनी नॉलेज को अपग्रेड करिए और
अपने आसपास अपने घर परिवार से स्टार्ट कीजिए, क्योंकि हमारे आपके सभी के आधार कार्ड लगभग ऑलमोस्ट 10 साल या 10 साल के आसपास के बने हुए हैं। इसमें 10 साल का स्लैब बनाया गया, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अगर कोई 2015-16 में बने हुए आधार कार्ड, मतलब 5-6 साल पुराने आधार कार्ड में भी अपने डॉक्यूमेंट, रिसेंट डॉक्यूमेंट जो आईडी एड्रेस प्रूफ है उनको अपडेट कराना चाहता है तो वो करवा सकता है। बस जरूरत है कि आप ये चीज देख के इंश्योर कर लें पहले कि जो वो डॉक्यूमेंट लेके आया है उस डॉक्यूमेंट में जो डिटेल है और उसका आधार है वो डिटेल दोनों मैच हो रही है, तभी आप डॉक्यूमेंट अपलोड करें। अदरवाइज उसको पहले आवश्यकता है अपनी डेमोग्राफिक डिटेल को अपडेट कराने की, तो पहले उसका आधार संशोधन डेमोग्राफिक डिटेल में संशोधन होगा, जो कि हम नॉर्मली फीचर के माध्यम से अभी तक करते आ रहे थे। इसके अलावा आप सभी बीएलई भाइयों से थोड़ा सा अनुरोध रहेगा कि आप जब भी अपने सेंटर पे काम कर रहे होते हैं तो कुछ एक बिहेवियरल व्यवहारिक चीजें हैं जो कि हमें रेजिडेंट के प्रति ध्यान देनी है। जैसे कि रेजिडेंट्स आते हैं तो आप पहले रेजिडेंट से पोलाइटली बात करें, उससे पूछें, उसको समझें पहले कि वो क्या काम कराने आया है। कई बार होता क्या है ना कि कुछ तो परेशानी हमारे एंड से है और जो सामने वाला आया है वो भी कुछ उसको कुछ समस्या है, और हम जैसे उसको तो समस्या है क्योंकि उसे काम कराने आया है वो अपना, लेकिन कई बार हम दोनों लोगों की समस्या मिलके और एक बड़ी समस्या को अंजाम दे देते हैं हम। तो रेजिडेंट से पता करें एग्जैक्टली वो क्या काम कराने आया है, और कई बार रेजिडेंट हमें फोर्स करते हैं कि हमारा आप ये डॉक्यूमेंट चला लीजिए, काम कर दीजिए। तो अगर आप उसको मना भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं उस प्रतीत हो उसको लगे कि मेरा जो काम है वो जानबूझ के आप मना कर रहे हैं उसको, या फिर वापस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने सेंटर पे जो यूआईडीआई के अनुसार, गाइडलाइन के अनुसार पीओआई, पीओए या फिर बर्थ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट हैं, रिलेशनशिप के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनकी आप लिस्ट जरूर लगा के रखें, जिससे कि उसको समझाने में आसानी हो कि वो डॉक्यूमेंट जो लेके आया है वो डॉक्यूमेंट यूआईडीआई की जो वैलिड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट है उस डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट में लाई नहीं कर रहा है, उसमें सूची में नहीं आता है, इसलिए हम आपको मना कर रहे हैं कि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो कंसीडर नहीं होगा। ना कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड उसको मना कर दें कि नहीं देख लो आप जहां जाना है जहां कर लो, आप कंप्लेन कर दो, हम नहीं करेंगे, आपका ये नहीं चलेगा वो नहीं चलेगा। तो आप रेजिडेंट के साथ में व्यवहार अपना उचित व्यवहार रखें, और कुछ एक स्पेशली जो फिजिकली डिसेबल्ड लोग हैं या फिर जो फिजिकली चैलेंज लोग हैं जिनके साथ में कुछ परेशानी है, तो दिव्यांगजन है, उनको आप प्रायोरिटी पे उनका काम करें और उनके साथ में स्पेशली व्यवहार अपना पोलाइट रखें। अपने सेंटर पे 1947 जो हेल्पलाइन नंबर है यूआईडीआई का वो प्रदर्शित करके रखें, और इसके अलावा यूआईडीआई की जो हेल्पलाइन मेल आईडी है help@uidi.gov.in, ये सभी चीजें अपने सेंटर पे आप प्रदर्शित करके रखें। जैसा कि मैंने आपको इंश्योर किया कि बताया ही कि आप समझें कि उसको अगर मोबाइल नंबर मेल आईडी वो नहीं भी कराने आया और उसको जरूरी है, चूंकि ये दोनों चीजें ऐसी हैं जो कि लोगों को, मोबाइल नंबर तो आजकल चूंकि ऑथेंटिकेशन पर्पज से भी यूज होने लगा है तो मोबाइल नंबर ज्यादातर रेजिडेंट्स यूज अपना अपडेट करा लेते हैं, लेकिन मेल आईडी की लोगों को जानकारी नहीं है, भले ही उसकी मेल आईडी बनी रहती है। तो मेल आईडी आप लोग अपने तरफ से अप्रोच करें कि अगर उसकी मेल आईडी है पूछें उससे, और जरूरत है तो वो अपना अपडेट करा सकते हैं। पेशेंस के साथ में उसके साथ व्यवहार पूरा धैर्य के साथ काम करें, और उसका जो चार्जेस हैं, चार्जेस के लिए आप लोगों को सबको पता है कि हम लोग डेमोग्राफिक चार्जेस जो अपडेट का कोई भी अपडेट करते हैं तो वो 50 रुपये चार्ज करना होता है, तो हम 50 रुपये ही चार्ज करें, और इससे संबंधित रेट लिस्ट आप लोग अपने सेंटर पे जरूर लगा के रखें। किसी भी तरह से कुछ भी कहीं पे कुछ कंप्लेंस आती हैं, कई बार ओवर चार्जिंग की कंप्लेंस आती हैं, अभी डॉक्यूमेंट्स एरर के बिहाफ पे पिछले कुछ एक महीनों से लगातार सस्पेंड ऑपरेटर होते रहते हैं, तो ये सभी यूआईडीआई की गाइडलाइंस को जो लोग फॉलो नहीं कर पाते हैं या जिनके साथ में कुछ इश्यूज रहते हैं, कुछ कंप्लेंस रहती हैं, तो उसके लिए यूआईडीआई जब से एक्ट, आधार एक्ट बना है, तो आधार एक्ट में जो सेक्शन वाइज कुछ एक धाराएं हैं, उन धाराओं के अंतर्गत अगर बड़े लेवल की चीजें रहती हैं तो उसमें एफआईआर का भी यूआईडीआई ने वो रखा हुआ है, तो हम लोगों को इन सब चीजों से, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी है, गमी फिंगर है, ये सब चीजों से अपने आप को बचा कर रखना है, इन सब चीजों में इन्वॉल्व नहीं रहना है।
दो चीजें आप लोगों को और मैं बताना चाहूंगा। एक पिछले कुछ एक समय से अब लगातार एक क्वेरी रहती है कि नाम चेंज वाला जो है, तो नाम चेंज के लिए आपको बता देते हैं हम लोग कि नाम चेंज करना एक अलग प्रक्रिया है और नाम में कुछ करेक्शन करना एक अलग प्रक्रिया है। हम जो बात करते हैं करेक्शन की, हम जो यूसीएल से काम कर रहे हैं करेक्शन की बात करेंगे, तो किसी के नाम में कुछ माइनर स्पेलिंग चेंजेस करना है तो वो सुधार हम नॉर्मल प्रक्रिया के थ्रू कर सकते हैं। अदरवाइज अगर किसी के नाम में चेंज होना है, जैसे राम कुमार से श्याम कुमार होना है, तो पूरा उसका नाम ही चेंज हो गया, उसकी आइडेंटिटी चेंज हो रही है। इस प्रक्रिया के लिए गजेट नोटिफिकेशन कराना होता है। गजेट नोटिफिकेशन के लिए जो रेजिडेंट है आप उसको बताइए कि गजेट नोटिफिकेशन किसी भी वकील से वो कंसल्ट करे और वकील उसको पूरा बताएंगे कि किस प्रक्रिया के थ्रू गजेट नोटिफिकेशन होता है, और गजेट नोटिफिकेशन के बाद जो डॉक्यूमेंट वो लेके आएगा उसको उसके बिहाफ पे आप एनरोलमेंट करेंगे तब किसी के नाम में बदलाव हो सकेगा। राम कुमार से श्याम कुमार करना है तो आपको गजेट नोटिफिकेशन कराना होगा, और गजेट नोटिफिकेशन के बाद जो डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा उसके बिहाफ पे आप लोग उसके नाम में चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज आप हम केवल नाम करेक्शन कर सकते हैं, माइनर स्पेलिंग चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन नाम चेंज हम नहीं कर सकते। डीओबी कुछ केसेस आते हैं, हमने ट्रेनिंग सेशंस भी किए हैं, उस दौरान भी हम बताते हैं कि डीओबी की जो लिमिट है, अगर लिमिट क्रॉस हो गई है, दो बार करा चुका है, उसके बाद भी वो अगर कराना चाह रहा है तो वो लिमिट क्रॉस में कंसीडर होता है, और लिमिट क्रॉस के लिए प्रोसीजर अलग है। हम लोगों के लिए डीओबी क्रॉस लिमिट के लिए सबसे पहली चीज तो जन्म प्रमाण पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट ही मान्य होता है। बर्थ सर्टिफिकेट उस रेजिडेंट का आपको मांगना है उससे, इसके अलावा कोई और डॉक्यूमेंट, आप लोग मार्कशीट है, पैन कार्ड है, या और भी जो हमारे बर्थ प्रूफ से संबंधित जो डॉक्यूमेंट की लिस्ट में डॉक्यूमेंट्स आते हैं तो वो नहीं लेने हैं। क्रॉस लिमिट वाले केस में अगर दो बार करा चुका है डेट ऑफ बर्थ और उसके बाद भी कराने जा रहा है, तो आपको सबसे पहले डिमांड करना है वो अपना बर्थ सर्टिफिकेट बनवाए, और बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने के साथ ही एक डिक्लेरेशन है, सेल्फ डिक्लेरेशन, जिसको कि हम रेजिडेंट से उसे सेल्फ डिक्लेरेशन भरवाते हैं, और वो डिक्लेरेशन के साथ उसका बर्थ सर्टिफिकेट दोनों डॉक्यूमेंट एक साथ एक पीडीएफ बना के हम स्कैन करके अपलोड करते हैं, और सेम एक उसकी एनरोलमेंट स्लिप के साथ में ये डॉक्यूमेंट हम lucknow.special@uidi.in एक मेल आईडी है उस पर हमको मेल करने होते हैं। काफी कंफ्यूजन्स है ऑपरेटर्स में कि हम जो प्रक्रिया बताई गई है उस प्रक्रिया के तहत ही डेट ऑफ बर्थ करेक्शन कर रहे हैं क्रॉस लिमिट वाला, उसके बावजूद भी डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाते हैं, तो उसके लिए मुझे आप लोगों को बताना है कि हाँ बिल्कुल, चूंकि ये लिमिट क्रॉस एक नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं है, ये एक अलग प्रक्रिया के तहत एनरोलमेंट हो रहा है, तो इसके लिए ये इस तरह के जो भी एनरोलमेंट होते हैं वो क्लाइंट के थ्रू या नॉर्मल प्रक्रिया के थ्रू रजिस्ट्रेशन एनरोलमेंट नहीं हुआ है, इसलिए क्लाइंट क्या करता है 24 घंटे के अंदर इस तरह के जो एनरोलमेंट होते हैं वो रिजेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, इससे आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है, आप केवल प्रोसीजर फॉलो करिए जो आपको प्रोसीजर बताया गया है। डीओबी क्रॉस लिमिट का आपने डिक्लेरेशन लिया, बर्थ सर्टिफिकेट लिया, दोनों का पीडीएफ बना के अपलोड किया है, और साथ में इस पीडीएफ के साथ एनरोलमेंट स्लिप अटैच करके आपने सेम जो मेल आईडी लखनऊ स्पेशल है उस पे आपने शेयर कर दिया। ठीक, उसके बाद जो आप मेल करते हैं वो मेल आईडी से जब वहां पे क्यूसी टीम, यूआईडीआई की क्यूसी टीम उस मेल को चेक करने के बाद में, उसकी क्यूसी मैनुअल क्यूसी होती है, तो मैनुअल क्यूसी करने के बाद में जो चीजें वेरीफाई करेंगे वो, और वेरिफिकेशन के बाद आफ्टर वेरिफिकेशन वो आपका जो पैकेट है वो जनरेट हो जाता है। ठीक है, तो हमें ये नहीं करना है कि हमारे हमने एनरोलमेंट किया और रिजेक्ट हो गया तो फिर से हमने उसका एनरोलमेंट कर दिया। आपको रेजिडेंट को बोलना है यूआईडीआई के अनुसार, जो कि 90 डेज का टाइम पीरियड है, लगभग 90 डेज के अंदर वो पैकेट जनरेट होगा, तो इस चीज से हमें विचलित नहीं होना कि हमने पैकेट जो डीओबी क्रॉस लिमिट वाला था वो किया और लेकिन वो रिजेक्ट हो गया, और हमने जो प्रोसीजर था उसको फॉलो ही किया था। काफी ऑपरेटर्स बीएलई भाई हमारे यहाँ पे मेल करते रहते हैं, क्वेरी भी करते हैं बार बार कि अब सर हम आपने जो प्रक्रिया बताई हुई है या फिर जो यूआईडीआई के नॉर्म्स है उसके अकॉर्डिंग हमने डीओबी क्रॉस लिमिट किया, जो करेक्शन था वो किया था, उसके बाद भी वो रिजेक्ट हो गया। तो पहला आंसर आपके लिए यह है कि हाँ वो रिजेक्ट होगा क्योंकि वो नॉर्मल एनरोलमेंट नहीं है, वो दूसरा प्रोसीजर जो बताया गया है उसको, जो सेकेंड स्टेप है जो मेल यूआईडीआई को प्राप्त होगा
उस एनवायरमेंट के अगेंस्ट में, तो उस मेल के बिहाफ पे जो पैकेट क्रिएट हुआ होगा या पैकेट सीआईडीआर पे होगा उसको फिर वो उसको अप्रूव कर देते हैं। और इस प्रक्रिया में लगभग 90 डेज का टाइम पीरियड लगता है, क्योंकि जो मेल्स हैं वहाँ पे मल्टीपल मेल्स जाते हैं डेली, तो ये पॉसिबल नहीं है कि वो आपके विद इन, आपको लग रहा हो कि 7 डेज या 10 डेज या 15 डेज में वो मेल रीड आउट करके और आपकी क्यूसी हो जाएगी। तो वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है, समय लगता है, लेकिन आप प्रोसीजर को फॉलो करिए और रेजिडेंट को बताइए ये चीज, जिससे कि रेजिडेंट्स भी आके आपसे आर्गूमेंट ना करें इस चीज पे। तो दो मैंने आपको चीजें बताई, एक तो नाम किसी का अगर चेंज होना है, नाम में बदलाव होना है, उसकी आइडेंटिटी जो नाम है वो पूरा चेंज हो रहा है, राम कुमार से श्याम कुमार हो रहा है, राम बहादुर से राम सिंह होना है, या इस तरह के कुछ एक चेंजेस हैं जिससे कि वो अपने आप में जो फर्स्ट नेम है उसका वो पूरा चेंज हो रहा है, ठीक है, वो चेंज हो जा रही है उसकी आइडेंटिटी। तो हम लोग उसके लिए रेजिडेंट से गजेट नोटिफिकेशन कराने की डिमांड करेंगे, और गजेट नोटिफिकेशन जब वो करा के ले आएगा तो उसके बिहाफ पे हम उसका एनरोलमेंट करेंगे। डीओबी क्रॉस लिमिट के लिए भी आपको बता दिया कि डीओबी क्रॉस लिमिट की जो प्रक्रिया है उसमें आपको बर्थ सर्टिफिकेट ही लेना है पहली चीज तो, और कोई डॉक्यूमेंट जन्मतिथि से संबंधित कंसीडर नहीं करना है क्रॉस लिमिट में, और डिक्लेरेशन लेनी है, दोनों की पीडीएफ बना के आपको अपलोड करनी होती है, और उसके बाद में फिर उसको आरओ को भी मेल करना होता है अलोंग विद एनरोलमेंट स्लिप। और जैसे ही वहां पे आरओ के द्वारा वो मेल्स जो पहुंचते हैं उन मेल्स को वेरीफाई करके चेक किया जाता है, चीजें ठीक पाई जाती हैं, तो फिर वो एनरोलमेंट प्रोसेस कर दिए जाते हैं, वो जनरेट हो जाता है, उसकी जन्मतिथि अपडेट हो जाएगी। इसके अलावा आपको और कोई प्रोसीजर या किसी और के बहकावे में नहीं आना है। अभी कुछ एक कंप्लेंस भी आई हैं कुछ एक समय से कि आधार यूसीएल पे कुछ लोग गलत तरीके से मेल प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप सभी लोगों से अनुरोध है कि किसी भी तरह के ऐसे व्यक्ति के संपर्क में अगर आप कोशिश कर रहा है तो आप तुरंत हमारी जो यूआईडी स्टेट टीम है या डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स हैं हमारे सीएससी के डिस्ट्रिक्ट मैनेजर्स, उनको इसके बारे में अवगत कराएं, किसी के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आए। आप जो काम कर रहे हैं ईमानदारी से काम करें, आधार संशोधन के लिए 50 रुपीज ही फीस चार्ज लेनी है आपको, इसके अलावा कुछ और चार्ज नहीं करना है। अगर रही प्रिंट आपके यहाँ पे प्रिंट आउट आधार प्रिंट कराने आता है, तो जब उसका आधार कार्ड जनरेट हो जाएगा, प्रिंट जब वो निकलवाने आएगा उस समय पे आपको वो फीस चार्ज करनी है प्रिंट आउट की। इसके अलावा आप मल्टीपल सर्विसेज करते हैं आप सेंटर पे, चूंकि जो हमारे जितने भी सीएससी सेंटर हैं उस पे और भी सर्विसेज डिलीवर होती हैं, आप वो कोई सर्टिफिकेट जारी कर रहे हो, आयुष्मान में उसको एनरोल कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, तो रेजिडेंट को अच्छे से समझा के भेजें कि हमने आपसे जो आधार संशोधन है प्रक्रिया है उसके लिए 50 रुपए चार्ज किए हैं, आपने जो और काम कराया है उसके लिए चार्ज हुआ है। क्योंकि ज्यादातर ये देखा गया है कि जब भी कोई कंप्लेन आती है तो फिर बाद में हम लोग थोड़ा सा इस चीज को सफाई देने की कोशिश करते हैं कि हमने कुछ और काम किया होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा है तो फिर आप रेजिडेंट को अच्छे से समझा के भेजें, नहीं तो आप अपने सेंटर को इस तरह से मैनेज करें कि आपका जो आधार यूसीएल सॉफ्टवेयर जिस लैपटॉप पे काम कर रहा है तो उसके लिए एक सेपरेट पोर्शन कर दें, जिससे कि जो रेजिडेंट आपके यहाँ सेंटर पे काम कराने आएगा तो उसको एक अलग पोर्शन मिलेगा, दिखाई देगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पे मैंने आधार संशोधन का काम कराया, बाकी और सर्विसेज के लिए जो चार्जेस थे वो मैंने दिए हैं। और रेजिडेंट को अच्छे के समझा के भेजें इस चीज के लिए, किसी के बहकावे में नहीं आए कि वो गलत कर रहे हैं तो हम भी ऐसे कर रहे थे। प्लीज सभी से आपसे अनुरोध है कि आधार संशोधन की जो फीस है 50 रुपए वही चार्ज करें। अभी जो नया एक फीचर एड ऑन हुआ है डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर, तो इस पे भी हमें केवल 50 रुपए ही चार्ज करना है जो निर्धारित शुल्क है। इसे अनुरोध है डॉक्यूमेंट अपलोड जो फीचर है अभी हमें बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, क्योंकि इस प्रोजेक्ट पे अभी तक बिल्कुल भी मूवमेंट नजर नहीं आया। अगर बात करें हम नॉर्मल आधार संशोधन की, तो अब पिछले कुछ एक महीने से बहुत कम ट्रांजेक्शन हो रहे हैं। अगर पर बीएलई बात करें तो कुछ एक हमारे जो ऑपरेटर्स हैं दिन एक दिन में 1, 2, 3, 4 कुछ जो अच्छी लोकेलिटी में अपना सेंटर रन कर रहे होंगे तो वहां पे 10-15 तक कर ले रहे होंगे, जो कि एक टाइम पे 20-25। और यूआईडीआई भी हमसे ये एक्सपेक्ट करता है जिस तरह से हमारी रीच है और जो नंबर्स हैं हमारे, कि हम प्रतिदिन कम से कम 15 से 20 रेजिडेंट को आधार संशोधन या फिर आधार अपलोड की जो प्रक्रिया है उससे एंगेज करें। तो आधार संशोधन का तो ठीक है, इसको हमें लग रहा है कि कम हुआ है, लेकिन आधार अपलोड में काफी बड़ा स्कोप है, क्योंकि अभी एक नया एड ऑन फीचर है और एक नया प्रोजेक्ट आया है, तो इस पे अभी
लोगों ने बिल्कुल ही काम नहीं किया है, वो कराने के लिए मतलब तैयार भी हैं। तो हमें उन्हें तैयार करना है, हमें उन्हें जागरूक करना है कि ये जो फीचर है आप इस प्रोजेक्ट के थ्रू आप अपने आईडी एड्रेस प्रूफ करा लीजिए। हो सकता है आने वाले समय में जो सरकारी स्कीम है, क्योंकि गवर्नमेंट आधार के थ्रू ही सारी डीबीटी के माध्यम से आम जनमानस को सारी सुविधाएं पहुंचा रही है, तो आने वाले समय में हो सकता है कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें सरकारी जो स्कीम्स हैं उन योजनाओं का लाभ ना मिल पाए। तो आप मोटिवेट करें, पहले अपने आप को एजुकेट करें, अपने घर परिवार, अपने सराउंडिंग लोग जो आपके लोग रहते हैं उनसे शुरुआत करिए, और प्रतिदिन कम से कम 10 का आप लेके चलिए कि हमें 10 लोगों को मोटिवेट करते हुए आधार डॉक्यूमेंट अपलोड जो फीचर है उसके थ्रू उनका डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं POI PUA। इसके अलावा और कुछ ज्यादा इसमें डिफिकल्टीज नहीं है। बाकी आप लोग सब लोग आधार ECL पे काम करते हैं तो सॉफ्टवेयर के बारे में सबको वेल नोन है कि कहाँ से कैसे क्या करना है। ये जो फीचर है हमारा जो ECMP क्लाइंट है 166 वर्जन है, जिसमें कि 167 168 जो फीचर है वर्जन है उस पे चल रहा है। तो सभी से यही अनुरोध है कि आप लोग जो डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर एड ऑन हुआ है उस पे अपने आसपास के जितने भी रेजिडेंट्स हैं उनको मोटिवेट करें, जागरूक करें। बैनर पोस्टर आप लोग जो जगह जगह पे जो मेन मेन आपकी फुटफॉल वाली कुछ एक जगह होती है, गांव की बात करें तो आपको राशन डीलर की दुकान मिल जाएगी, ग्राम पंचायत भवन है, मार्केट प्लेसेस हैं, शॉपिंग मॉल्स होते हैं, तो वहां पे आप अपने आधार संशोधन अपने आधार केंद्र की ब्रांडिंग करिए। जो सर्विसेज आप लोग वहां पे दे रहे हैं डॉक्यूमेंट अपलोड फीचर उसके बैनर पोस्टर हमने आपको मेल पे भी शेयर किए हुए हैं।